इनका लिख लीजिए, दो वायरस लिखिए, एक पत्ता एंटासिड लिखिए, और उल्टी हो रहा है ना, इसमें से सुबह शाम, इसमें सुबह शाम एक लीटर पानी में घोल के पी जाना, ठीक है? क्या दिया है? डोमपेरिडोन वायरस। उल्टी नहीं हो रहा है बाबू, उल्टी जैसे हो रहा था। हाँ तो हाँ, बहुत है, ठीक है। जब हो तो पिया उल्टी वाला अंदर बाबू। नाम लिखा है लाल क्या करें, पेट खराब है आपके? आपको ये लो पहले का है, तेल में पहले का बोले लो, हां पहले का बोले लो, हां पेट में वाला उल्टी वाला पेट कलम है, पेट धर ले को बच्चन के का बोले तो के हटा कर, हां भैया उल्टी का सुनो ले लो पानी गिर बा का जी का बंदा पूरा पेट चल ले, कबल दबा ले कर ले लीजिए शब्द बताया पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है कि किसी को भी समस्या है तो उस समस्या को उसका समाधान करने के साथ साथ उसको फिर से एक ऐसी जिंदगी देना जब वो बेहतर तरीके से जी सके। तो हमारे यहाँ भी परामर्श के माध्यम से अगर किसी को बीमारी है तो उसे बीमारी न समझना, उसे पागलपन की बीमारी न समझ के उसको परामर्श देना, उसका इलाज कराना और फिर उसे एक सामान्य जिंदगी प्रदान करना, यही हमारे मानसिक स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है। ज़्यादातर बुजुर्गों में होने वाली भूलने की बीमारी है। आज हमारे इस पंडाल में बहुत से बुजुर्ग भी उपस्थित हैं, उसमें भूलने की बीमारी होती है। तो भूलने की बीमारी को एक बीमारी ना समझें, एक कारण है, एक लक्षण है, उसको लक्षण समझें। परिवार का बहुत सहयोग होता है किसी भी इस तरह की किसी भी समस्या के समाधान में। हम जब तक नहीं समझेंगे कि अगले को क्या दिक्कत है, क्या कारण है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य विभाग की टीम उसी कारण को उसी कारण को ढूंढती है कि आखिर क्या कारण है। कोई बहुत ज़्यादा नशे का शिकार होता है, नशे की लत होती है, तो वो नशा करके अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों को मारता है, गाली गलौज करता है, तो हम लोग उस नशे का कारण